हाय गाइस, बी टाउन अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो मूवी के बीच में, जो आने वाली है अगले साल 2024 को धमाका करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर, और वो है पुष्पा 2 मूवी और सिंघम 3 मूवी। और आपको बता दे कि पुष्पा 2 और सिंघम 3 का क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। और ये जो धमाका होगा उनकी गूंज साउथ और बॉलीवुड दोनों में सुनाई देगी। इसमें जो एक्टर है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग की तो क्या ही बात करे। वैसे ही सिंघम में जो अजय देवगन सर है उनकी भी बहुत ही बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और साथ में जो अल्लू अर्जुन है उनका जो पुष्पा 2 का फर्स्ट सीक्वल आया था पुष्पा मूवी, वो भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर निकली थी और उनका दूसरा सीक्वल तब से डिमांड में था। इस तरह से सिंघम फ्रेंचाइजी की भी बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और सिंघम के अगले 2 पार्ट आ चुके हैं और अब इनका तीसरा सीक्वल आने वाला है। और हाल में सिंघम 3 का भी बहुत ही बड़ा बस बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों मूवी का क्रेज फिलहाल बहुत ही चल रहा है, पुष्पा 2 और सिंघम 3 का। पुष्पा 2 का जो फर्स्ट सीक्वल आया था वो 17 दिसंबर 2021 को आया था, और सिंघम 3 का जो अगला 2 सीक्वल आया था इसमें से फर्स्ट सीक्वल सिंघम 22 जुलाई 2011 को आया था, और उनका दूसरा सीक्वल आया था सिंघम रिटर्न 15 अगस्त 2014 को। वहीं पुष्पा 2 मूवी के अगले सीक्वल को सुकुमार द्वारा डायरेक्ट किया गया था और दूसरे सीक्वल को भी सुकुमार द्वारा ही डायरेक्ट किया जाएगा। वहीं सिंघम 3 के डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो इनके अगले 2 सीक्वल को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस तीसरे सीक्वल को भी रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। दोनों मूवी एक्शन से भरपूर है और दोनों में हमें दमदार डायलॉग बाजी देखने को मिलेगी। हम खुद कंफ्यूज है कि कौन सी मूवी देखने जाए, पुष्पा 2 या सिंघम 3। ये पुष्पा 2 मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बनाई जाएगी और इसके बाद उनको पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, यानी कि हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब करके रिलीज किया जाएगा। वही सिंघम 3 हिंदी में रिलीज की जाएगी। और हाल में दोनों मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही उनका टीजर और ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। साथ में ये दोनों पुष्पा 2 और सिंघम 3 मूवी से जो एक्टर है उनकी फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, और जब जब ये मूवी के पोस्टर आए तब तब उस पोस्टर ने तबाही मचाई है। पोस्टर से ही यही हाल है तो टीजर और ट्रेलर आएगा तो क्या ही तूफान मचेगा, वो आप सोच सकते हो यही पोस्टर से। वहीं पुष्पा 2 मूवी को म्यूजिक देने वाले हैं देवीश्री प्रसाद और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं मैत्री मूवी मेकर्स। वहीं सिंघम 3 के बारे में बात की जाए तो इन मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट और ये मूवी एक कॉप यूनिवर्सल मूवी रहने वाली है। पुष्पा 2 की स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, विजय सेतुपति, शाही पल्लवी, फहद फासिल, प्रकाश राज और अनुष्या भारद्वाज देखने को मिलेंगे। वहीं सिंघम 3 की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें मैं अजय देवगन के साथ इस बार दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, करीना कपूर, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, विकी कौशल, जैकी श्रॉफ और विलन के तौर पर अर्जुन कपूर देखने को मिलेंगे। रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो ये दोनों मूवी 15 अगस्त 2024 को क्लैश होने वाली है। तो आप ये दोनों मूवी में से कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप फिलहाल किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट और मूवी के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।